राम राम सभी साथियों को। साथियों, बड़े ही दुख की बात है कि 24 घंटे राज्य की सुरक्षा करने वाले इन मंत्री एमएलए की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों को उनका हक पिछले 15 सालों से नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी बार बार पुलिस के लिए पंजाब पे स्केल की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें आई और गई। जब चुनाव आते हैं तो इसे चुनावी मुद्दा तो बना जाता है, लेकिन बाद में इस डिपार्टमेंट की कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार की इसी अनदेखी के चलते हरियाणा पुलिस के कर्मचारी 23 जुलाई 2023 को ट्विटर अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें वे अपने हकों की मांग कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक। इस पोस्टर में उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से अपील की है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि वे हड़ताल तो नहीं कर सकते, ना ही वे संगठन बना सकते हैं, और इसी मजबूरी का फायदा सरकार ने उठाया है कि उनकी मांगों को ये पूरा नहीं किया जा रहा। हर समय मौत के मुँह में रहने वाले कर्मचारियों को जब अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है तो बड़े ही शर्म की बात है। कोरोना का समय हो, बाढ़ग्रस्त एरिया हो, या किसी स्थान पर आग लगी हो, तो पुलिस को ऐसे आगे कर दिया जाता है जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भगवान है। कोरोना के समय में जहाँ पूरा भारत अपने घर में दुबका बैठा था, लेकिन पुलिस कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी के देश के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। जहां सरकार ने एक डिपार्टमेंट जैसे कि डॉक्टर को कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट दी, वहीं पुलिस डिपार्टमेंट को बिना किसी सेफ्टी के फील्ड में उतार दिया। क्या उसे कोरोना नहीं होता? क्या वह इंसान नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? लेकिन क्या करें, सिर्फ कोरोना योद्धा बोलकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इसलिए सभी पुलिसकर्मियों ने ये हैशटैग अभियान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा है और पूरे हरियाणा वासियों से अपील की है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए, ताकि अन्य डिपार्टमेंट की तरह उनको भी उनका हक मिल सके।